श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जुगल किशोर मंदिर में उत्पात मचाने वाली पन्ना राज घराने की महारानी जितेश्वरी कुमारी के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। जितेश्वरी कुमारी के बेटे छत्रसाल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मंदिर प्रशासन पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। छत्रसाल ने अपने वीडियो में कहा कि मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद मेरी माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों ने जैसे कि देखा, एक तरफा कहानी सुनी सबने। हमें मतलब मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोका गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। मुझे बुलाने, निमंत्रण देने पुजारी खुद आते हैं कि आओ परंपरा निभाओ, और कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी होती है जहाँ पे मीटिंग में भी बुलाया जाता है, और हमें बुलाने के बाद वहां पे मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया था। इतना ही नहीं, अपने वीडियो में छत्रसाल ने मंदिर प्रशासन पर ही पुरानी चली आ रही परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दो चंवर एक साथ निकाली गई हो, लेकिन मंदिर प्रशासन ने हलछट के दिन ऐसा किया। और जिस परंपरा की बात करते पुजारी कि 300 साल 400 साल पुरानी परंपरा, वो दो दो दिन पहले बलदाव जन्माष्टमी के दिन, बलदाव छठ के दिन, हर छठ के दिन दो दो चौर निकाली गई थी। एक हमें दिया गया, एक मंदिर को, एक मंत्री को दिया गया। तो फिर दो चौर कभी निकली नहीं है। उसी टाइम परंपरा तोड़ दी गई थी इन लोगों के द्वारा, और अभी जैसे कि ये परंपरा तोड़ने की भी साजिश में थे जो टूट नहीं पाई। पर अगर फिर भी पन्ना नगर वासियों को मेरा निवेदन है, अगर ये जो चीजें हुई इससे ठेस पहुंची हो, मुझे बड़ा दुख है ये सब हुआ, पर गलती अपने अपने अधिकार के लिए लड़ना खुद कृष्ण भगवान ने बताया। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जुगल किशोर मंदिर में जितेश्वरी कुमारी ने जबरन गर्भगृह में घुसकर चंवर हिलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इस मामले में जितेश्वरी कुमारी पर केस भी दर्ज किया गया है, हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है।